4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू सर्कल विथ सेंटर पी एंड रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एट एनी पॉइंट एम ऑन इट। तो सबसे पहले उन्होंने बोला एक सर्कल निकालो जिसकी रेडियस कितनी हो, 3.2 सेंटीमीटर हो। उसके बाद एक पॉइंट एम वहाँ पर लेना है और पॉइंट एम से हमको क्या निकालना है, सर्कल को टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस मैंने यहाँ पर ली है, मतलब कंपास में मैंने डिस्टेंस लिया है 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 सेंटीमीटर का एक मैं एक सर्कल निकलता हूँ यहाँ पर सबसे पहले। ओके, तो ये हुआ सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर है। तो इस सर्कल पर हमको कहीं तो भी एक पॉइंट एम लेना है, वहाँ से हमको टेंजेंट निकालना है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर लेंगे पॉइंट एम। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट एम लेने के लिए हम एक रे निकालेंगे सेंटर से। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल कौन सा दिया है, वहाँ पे पी दिया है। तो सेंटर जो है वहाँ से एक रे निकालेंगे, उसको सामने बढ़ाएंगे। एक रे निकाला हमने यहाँ पर, सर्कल का सेंटर कौन सा था, पी इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, उसके बाद यहाँ पे लेना एक पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला हमको, एक एम पॉइंट बोला। ठीक है, दिस इज द पॉइंट एम। ये कौन सा पॉइंट है, एम पॉइंट है। तो पॉइंट एम से हमको टेंजेंट निकालना है सर्कल को। देखिए अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी को पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। पी एम क्या हो गई, सर्कल की रेडियस हो गई। अब यहाँ पे जो टेंजेंट आएगी वो रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर। टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इसलिए इधर का एंगल कितना आना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री का एंगल आने के लिए तो 90 डिग्री का एंगल लाने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट एम से यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो ये इधर का क्या आएगा, एंगल 90 डिग्री का आएगा, मतलब यहाँ पे टेंजेंट निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एम से इस जो रे हमने निकाला है, रे पी एम, उसको एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। कहाँ पर, पॉइंट एम पर परपेंडिकुलर निकालेंगे। वो क्या हो जाएगी, इसके टेंजेंट। तो टेंजेंट रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, और रेडियस कितनी दी हमको इसकी, 3.2 सेंटीमीटर। रेडियस आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे भी अलग सेगमेंट निकाल कर मेंशन कर सकते हैं। तो रेडियस इसकी दिखाएंगे हम कितनी है, रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस दिखाएंगे इसकी हम 3.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये अलग से दिखाई तो भी चलेगी, वहाँ से दिखाई तो भी चलेगी, लेकिन मैं अलग से दिखाता हूँ। ठीक है, दिस इज द रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझा सभी को, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियरली समझ में आएगा। देखिए अब इसको परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, मतलब पॉइंट एम से इस रे को हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो ही ये टेंजेंट रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, तो कंपास का टिप यहाँ पर रखो पॉइंट एम पर। उसके बाद तुम्हारे हिसाब से जो तुमको डिस्टेंस लेना है, सफिशियंट डिस्टेंस ले लो। ओके, इतना डिस्टेंस मैंने ले लिया यहाँ पर। तो एक आर्क यहाँ पर तैयार करो और सेम डिस्टेंस से एक आर्क राइट साइड पर तैयार करो। ओके, इसके बाद ये जो दो आर्क तैयार हो गए, इन दो आर्क मतलब एक सेगमेंट तैयार होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालता हूँ। एक काम करो, नेक्स्ट स्टेप, जो आर्क हमारे तैयार हो गए वहाँ पर टिप रखो एक पर। इसके बाद ये जो हाफ डिस्टेंस है, यहाँ तक हमको हाफ डिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो। तो ये जो हो गया हाफ डिस्टेंस, ठीक है इसका, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये बढ़ गया थोड़ा डिस्टेंस, इतना भी चलेगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये डिस्टेंस थोड़ा हाफ से ज्यादा हो गया, मतलब मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना। ये जो दो हमने आर्क्स के यहाँ पर, इस आर्क में मतलब एक आर्क पर टिप रखकर मोर देन हाफ डिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली जितना आपको लगे उतना लेना। इसके बाद ये जो डिस्टेंस है मोर देन हाफ, तो इतना डिस्टेंस लेकर हमको दो आर्क्स तैयार करने हैं यहाँ पर। फर्स्ट आर्क यहाँ पर करेंगे, सेकंड आर्क यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम डिस्टेंस रख के, अब डिस्टेंस चेंज मत करो, जो डिस्टेंस है वही रखो कंपास में। दूसरे आर्क पर रखो कंपास का टिप, इसको इंटरसेक्ट करने वाले दूसरे आर्क निकालो, ये फर्स्ट आर्क और ये सेकंड आर्क। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो उसके बाद इसको सिंपली ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद हमको टेंजेंट मिल जाएंगे। तो ये जो दो आर्क्स है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कट हो गए थे, इसको ज्वाइन करो। तो इनको हम ज्वाइन करेंगे आप।
ओके, इसको एरो दे देंगे, दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट एम। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। इसको नाम देंगे पॉइंट, सॉरी लाइन एल देंगे, या फिर कौन सी भी लाइन दी है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इधर का एंगल कितना आएगा, फिर दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर टू, प्रैक्टिस सेट 4.2। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.7 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ ए टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट। अब यहाँ पर पॉइंट का नाम हमको दिया नहीं, सेंटर का नाम भी दिया नहीं, तो तुम्हारे हिसाब से जो तुमको नाम लेना हो ले सकते हैं, सेंटर का नाम, सर्कल पर जो पॉइंट लिए उसका नाम तुम्हारे हिसाब से ले लो, लेकिन रेडियस कितनी लेना है उसकी, 2.7 सेंटीमीटर, और सेम तरीके से टेंजेंट निकाल लेना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो रेडियस कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर निकालना, और टेंजेंट निकालना है एट एनी पॉइंट, कौन सा भी एक पॉइंट लेकर, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इससे थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जाम्पल है ये वाला, थर्ड नंबर का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके जान पे आता है इस टाइप का कंस्ट्रक्शन करना, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। पिछले साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइप का कंस्ट्रक्शन छोड़ दिया था, और बोर्ड वाले भी तुमसे बहुत ज़्यादा होशियार है। तो बोर्ड वालों ने क्या कर दिया कि इसी टाइप का जो एग्जाम्पल है वो पेपर में दे दिया है 4 मार्क्स के लिए। कौन सा एक टाइप का, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो बोर्ड वाले आपसे बहुत ज़्यादा होशियार है, इसलिए सभी, अगर तुमको आउट ऑफ मार्क्स होना तो कोई भी पोर्शन आपको छोड़ना नहीं है, सभी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में स्टडी करनी है। ओके, तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन का। तो मैंने यहाँ पर कंपास में 3.6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। अब 3.6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर मैं यहाँ पर एक सर्कल निकालता हूँ, सबसे पहली स्टेप। तो यह हुआ सर्कल जिसके रेडियस कितनी है, 3.6 सेंटीमीटर है। ओके, तो हमको बोला है ड्रॉ टेंजेंट टू ए सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कहीं भी एक पॉइंट लो, लेकिन टेंजेंट कहाँ से निकालना है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर तुमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया तो यहाँ से टेंजेंट निकालना है, लेकिन सेंटर का यूज़ नहीं करके, तो मतलब सेंटर का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में हमने सेंटर का यूज़ किया था, यहाँ से एक रे निकाला था बाद में, मतलब रे निकालने के लिए किसका यूज़ किया था हमने, सेंटर का। तो वैसे यहाँ पर नहीं करना है, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पर दिया है, तो सेंटर का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल एट एनी पॉइंट। तो उन्होंने नाम कुछ भी नहीं दिया है, अगर उन्होंने ऐसा नाम दिया है, टेक ए पॉइंट एम एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू पॉइंट एम और टेंजेंट एट पॉइंट एम विदाउट यूजिंग द सेंटर, तो पॉइंट एम लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसा एग्जाम्पल में बोला वैसा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे करने का। ठीक है, तो उन्होंने नाम नहीं दिया, तो हमारे हिसाब से हम एक पॉइंट लेके, कौन सा भी, सपोज दिस इज द पॉइंट पी, पॉइंट पी लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट पी। ओके, यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, तो पॉइंट पी से हमको निकालना है यहाँ पर टेंजेंट। तो इसमें हमको यूज करना है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। तो हमको इस कंस्ट्रक्शन में किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या है, ये मैं समझ जाऊँ, मैं धीरे धीरे आपको बताऊँ, वन बाय स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लो। तो सिंपल मेथड से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने किया, एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पर, पॉइंट पी ले लिया, तो पॉइंट पी से हम टेंजेंट निकालेंगे। तो उससे पहले क्या करना, देखो तो पॉइंट पी से हमको टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल तैयार करेंगे। एक सेगमेंट यहाँ से निकाला, टच करने वाला सर्कल को, एक सेगमेंट यहाँ से निकालेंगे सेम पॉइंट पी से, और इस दोनों को ज्वाइन कर एक ट्रायंगल वहां पे तैयार करेंगे। ठीक है, दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी अपनी, पॉइंट पे लिए हम, पी ले लिए हमने यहाँ पर, तो उसके बाद एक ट्रायंगल तैयार कर दिया। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली आज तक समझ में आया। तो पॉइंट पी यहाँ पर देंगे, पॉइंट क्यू यहाँ पर देंगे, पॉइंट आर। ठीक है, तो उसके बाद देखो आप क्या करना है, तो उसके बाद पॉइंट क्यू या पॉइंट आर
कहीं से भी तुमको आर्क निकालना है। तो सपोज हम एक काम करेंगे, पॉइंट क्यू से हम एक आर्क तैयार करेंगे। देखो यहाँ से तो कंपास का टिप कहाँ पर रखना, पॉइंट क्यू पर रखो या फिर पॉइंट आर पर। तो एक काम करो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। पॉइंट कहाँ पर रखना, मतलब टिप कहाँ पर रखना, पॉइंट क्यू पर रखना, और एक आर्क वास तैयार करेंगे सफिशियंट डिस्टेंस लेकर। जैसा जितना डिस्टेंस तुमको अच्छा लगता है उतना डिस्टेंस लो तुम्हारे हिसाब से, और दोनों सेगमेंट दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट करने वाला एक आर्क निकालो। ठीक है, तो ये हो गया आर्क। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियरली समझ में आ गया। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस वहां पे लिया था वही सेम डिस्टेंस रखो, डिस्टेंस चेंज मत करो कुछ भी। तो हमको पॉइंट पी से टेंजेंट निकालना है, इसलिए अब कंपास का टिप रखो पॉइंट पी पर। ओके, तो कंपास का टिप रखकर अब यहाँ से मत निकालो टेंजेंट, टेंजेंट निकाल हमको इधर निकालना है, इसलिए इधर कट मत करो, यहाँ से कट करो और थोड़ा इधर सामने बढ़ाओ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। इसके बाद हमको मेजर करना है इसका डिस्टेंस, इन दोनों आर्म्स का डिस्टेंस कितना आता है। देखो जो क्यू आर और क्यू पी है, इन दोनों सेगमेंट जो है, मतलब एंगल आर क्यू पी, यहाँ पे जो एंगल तैयार हुआ, कौन सा एंगल तैयार हुआ, एंगल आर क्यू पी, जो एंगल तैयार हुआ इसके आर्म्स है क्यू आर और क्यू पी, इसके बीच में का डिस्टेंस मेजर करो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो। ठीक है, ओके, देखो इतना करेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करेक्ट डिस्टेंस आ गया। ओके, तो सेम डिस्टेंस यहाँ का डिस्टेंस मेजर करो, और सेम डिस्टेंस रखकर, मतलब इतना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, इन दोनों आर्म्स के बीच में का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लेकर अब टिप रखो कंपास का यहाँ पर। कहाँ पर रखना, इधर जो इंटरसेक्ट किया था पी आर को, पी आर सेगमेंट को जहाँ पर इंटरसेक्ट किया था आर्क ने, वहाँ पर रखो टिप इसका। तो यहाँ पर रखो इसका टिप। ठीक है, और जो आर्क पहले निकाला था हमने उसको इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क, मतलब यहाँ से आर्क निकालो और इस जो पहले आर्क निकाला था उसको कट करो वहाँ से। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे हो गया ये कट। ओके, ये यहाँ पर कट हो गया। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स है इसको पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करो और वहां से लाइन निकालो, वही हो जाएगी अपने टेंजेंट वहां पर। तो मैं यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ इसको। ओके, ठीक है, सो दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ये हो गई पॉइंट पी से टेंजेंट टू द सर्कल विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया हमने, विदाउट यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया। ये जो हमने यहाँ पर टेंजेंट लाइन निकाली उसको नाम दे दीजिए एल लाइन, या फिर जो तुमको अच्छे लगे वो नाम दे दो, एल एम एन, लेकिन स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो लाइन एल इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर इन इट, एंड ड्रॉ टेंजेंट्स एट पॉइंट पी एंड क्यू, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट्स। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में उन्होंने पूछ लिए यहाँ पर। सबसे पहले जो स्टेप वाइज है हम वैसे करेंगे, तो जैसा जैसा उन्होंने बोला वैसा वैसा हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे। ठीक है, तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। तो ये सो दिस इज द सर्कल विद रेडियस 3.3 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है ड्रॉ ए कॉर्ड पी क्यू ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर इन इट। देखो अब कॉर्ड मतलब क्या होता, कॉर्ड मतलब ऐसे सेगमेंट जो सर्कल के ऊपर के कौन से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अगर यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स लिए तो इसको ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड। लेकिन क्वाड कितने दिए है बराबर ऑब्जर्व करो, क्वाड दिए है 6.6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस के डबल। रेडियस के डबल जो क्वाड रहेंगी उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गेस्ट क्वाड, एंड लॉन्गेस्ट क्वाड इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस के डबल है, रेडियस के डबल मतलब कौन रहता है, डायमीटर रहती। ओके, सो ये जो क्वाड है 6.6 सेंटीमीटर वो क्या है, डायमीटर। वो आप सभी को पता है डायमीटर कहाँ से जाती, डायमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, इसलिए ये क्वाड कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी। तो हम 6.6 सेंटीमीटर की क्वाड निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो सेंटर से जाने वाली कॉर्ड मतलब क्या रहेगी, डायमीटर रहेगी। तो दिस इज द डायमीटर। ओके, मेजर करने की कोई जरूरत नहीं, वो कितनी आएगी, 6.6 सेंटीमीटर ही आने वाली है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर है, मतलब सेंटर से जा रही है, इसलिए एक एक कितनी डिस्टेंस है फिर, 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम डिस्टेंस लिख लेंगे, यहाँ का ये डिस्टेंस है 6.6 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉर्ड है। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6.6 सेंटीमीटर। थोड़ा बाहर चला गया, सॉरी, बराबर निकालो, ये डिस्टेंस है 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको यहाँ पे पॉइंट्स लेना है पी एंड क्यू। तो उन्होंने बोला यहाँ पर जो कॉर्ड का नेम है वो कौन सा है, पी क्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी और यहाँ पे लेंगे पॉइंट क्यू। ओके, ये पॉइंट पी है, इधर का पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यू है, तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर हमको यहाँ पर टेंजेंट्स निकालने हैं। तो आप सभी को पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हुआ था अपना, उसके जैसा ये क्वेश्चन है। ये रेडियस हो गए और यहाँ पे परपेंडिकुलर, इधर टेंजेंट निकालना है, इधर टेंजेंट निकालना है, ठीक है। तो निकालेंगे टेंजेंट्स, तो आप सभी को पता है कैसे करना है। टेंजेंट निकालने के लिए ये जो रेडियस है इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, रे तैयार कर दो, ठीक है। पॉइंट क्यू पर निकालने के लिए सिमिलरली पॉइंट पी से निकालने के लिए एक भी इसको थोड़ा थोड़ा सा सामने बढ़ाओ और एक रे तैयार कर दो यहाँ पर। ओके, तो ये हो गए दो रे तैयार। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, पॉइंट पी और क्यू पर टेंजेंट निकालेंगे। तो उसके बाद के स्टेप आप सभी को पता है कैसे करना है। तो यहाँ पे टिप रखेंगे कंपास का और उसके बाद अपने मन से कुछ भी डिस्टेंस लेके, मतलब इससे थोड़ा सा कम, ये रेडियस है, इससे थोड़ा सा कम लो, ठीक है, यहाँ तक डिस्टेंस लेंगे ऐसा। ओके, तो एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे और सेम डिस्टेंस से एक आर्क इधर लगाएंगे। ओके, तो वही स्टेप इधर भी करेंगे। यहाँ पे रखो पॉइंट के ऊपर, एक आर्क इधर लगाओ, उसके बाद एक आर्क इधर लगाओ, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आप सभी को पता ही है। तो जो दो आर्क तैयार हो गए वहाँ पे टिप रखो कंपास का, और ये जो सेगमेंट तैयार होगा इधर का, जो आर्क के हिसाब से, मतलब ये जो आर्क से तो एक सेगमेंट तैयार हो गए, इससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना। तो ये हो गया मोर देन हाफ डिस्टेंस के, ठीक है। तो इतना सफिशियंट रहेगा मोर देन हाफ डिस्टेंस। तो इससे यहाँ पर एक आर्क तैयार करो, यहाँ पर एक आर्क तैयार करो, सेम डिस्टेंस रखकर, डिस्टेंस आप चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। यहाँ पर रखो टिप कंपास का, इसके बाद इसको इंटरसेक्ट करने वाला दूसरा आर्क, इधर भी दूसरा आर्क, सेम कंडीशन इधर भी करना। जो हमने डिस्टेंस लिया था वही सेम डिस्टेंस रखो, ये देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस ही है ये, ठीक है। तो इधर एक आर्क तैयार करो, इधर एक आर्क तैयार करो, उसके बाद यहाँ पे टिप रखो, इधर आर्क और इधर कट करने वाला दूसरा आर्क, ठीक है। तो इन सभी को हम ज्वाइन करेंगे और टेंजेंट्स निकाल लेंगे। ये जो इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स है उसको ज्वाइन करो, तो हमको मिलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, इसको एरो कर देंगे, मतलब ये लाइन है एक, उसके बाद इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी एरो निकालेंगे। सो दीज आर द टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल एट पॉइंट, विच पॉइंट, पी एंड क्यू। तो ये हो गए टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसको आपको अगर नाम देना हो तो इसको नाम दे सकते हैं, दिस इज द लाइन एल, दिस इज द लाइन एम। लाइन एल एंड एम आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो उसके बाद उन्होंने पूछा है राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। देखो आप सभी को पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब इधर का एंगल कितना रहेगा 90 का, इधर का भी एंगल कितना रहेगा 90 का रहेगा। ओके, अब देखो, अब ये जो दोनों एंगल्स 90 के हो गए, तो 90 प्लस 90 180, दोनों की सम 180 आती। मतलब ये एंगल जो है, एंगल पी और एंगल क्यू, ये कौन से एंगल्स है, दीज आर इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल की सम कितनी आ रही, 90 प्लस 90 की 180। अगर इंटीरियर एंगल की सम 180 आ रही तो लाइंस क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, मतलब ये टेंजेंट्स जो है ये क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन। तो ऑब्जर्वेशन में हम क्या लिख सकते हैं, द टेंजेंट्स एट पॉइंट्स पी एंड क्यू आर पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज द ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन,
ऑब्जर्वेशन इज द टेंजेंट्स एट पॉइंट्स पी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, टेंजेंट्स कौन से हैं? लाइन एल और एम, ये जो पॉइंट पी और क्यू पर टेंजेंट्स निकाले हैं उसके नाम कौन से हैं? लाइन्स एल एंड एम एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियरली समझ में आ गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव में। तो सबसे पहले स्टेप है, रेडियस 3.4 सेंटीमीटर लेके एक सर्कल निकालना है। सो दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। उसके बाद ड्रॉ ए कॉर्ड MN ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। ओके, तो एक कॉर्ड निकालना है जिसकी लेंथ कितनी हो 5.7 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं यहाँ पर एक कॉर्ड जिसकी लेंथ कितनी हो 5.7 सेंटीमीटर। तो मैं 5.7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेता हूँ कंपास में और यहाँ पे एक आर्क तैयार करता हूँ जिसकी लेंथ कितनी हो 5.7 सेंटीमीटर हो। तो मैंने ये डिस्टेंस ले लिया है कंपास में 5.7 सेंटीमीटर का। अब ये डिस्टेंस लेकर एक आर्क तैयार करता हूँ कि जिससे हमको क्वाड मिल जाए। क्वाड की लेंथ कितनी दी है हमको 5.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे टिप रखता हूँ मैं और 5.7 सेंटीमीटर का एक आर्क तैयार कर लेता हूँ यहाँ पर टिप रख के। ठीक है, तो यहाँ आप कहीं से भी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द 5.7 सेंटीमीटर। ओके, तो इसको ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा 5.7 सेंटीमीटर के क्वाड मिलेगी हमको। ठीक है, तो ये है 5.7 सेंटीमीटर की क्वाड। व्हाट इज द नेम ऑफ क्वाड? नेम ऑफ क्वाड इज MN। MN क्वाड के क्वाड का नाम है वहां पर। तो इधर देंगे M पॉइंट और इधर देंगे N पॉइंट। ठीक है, तो हमको निकालना है पॉइंट्स M एंड N, यहाँ पर हमको टेंजेंट निकालना है सर्कल को। तो सेम कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर फोर के जैसा करेंगे। तो पिछले एग्जांपल के जैसा ही, जहां से हमको टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट से रेडियस निकालो पहले। एम और एन पर टेंजेंट निकालना है तो एम से रेडियस कौन सी आएगी? इधर की रेडियस आएगी। ठीक है, ये आएगी पॉइंट एम से रेडियस ऑफ सर्कल। तो टेंजेंट जो रहेंगे रेडियस को परपेंडिकुलर रहती, इसलिए रेडियस पहले निकालेंगे। ये रेडियस और इधर की ये रेडियस हो गई। ठीक है, जो पॉइंट्स हमको दिए वहाँ पे पहले रेडियस निकालेंगे, ये हो गए रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमको टेंजेंट्स निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सामने बढ़ाना पड़ेगा। इसके जैसे ही रेडियस को इधर बढ़ाएंगे एक रे तैयार करेंगे और सिमिलर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसको बढ़ाएंगे हम सामने, सिमिलर तरीके से इसको भी बढ़ाएंगे। ओके, तो इन दोनों को बढ़ा दिया, एरो कर दिया, रे तैयार हो गए पॉइंट सी एम और यहाँ पर पॉइंट एन आइट्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये करता हूँ मैं, आप समझ लीजिएगा। तो आप सभी को पता है उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ पर रखो टिप कंपास का, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी डिस्टेंस ले लो और यहाँ पर आर्क तैयार करो, ये फर्स्ट उसके बाद ये सेकंड। ठीक है, लेकिन रेडियस से थोड़ा कम लेना। इसके बाद सेम डिस्टेंस रख के यहाँ पर और यहाँ पर आर्क। उसके बाद आप सभी को पता है क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो। ये जो आर्क से यहाँ तक लिंक बनी है, यहाँ से यहाँ तक, उससे मोर देन, उसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना। तो ये हो गई मोर देन हाफ डिस्टेंस। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क। ठीक है, तो इस यहाँ पर टिप रखकर इसको इंटरसेक्ट करने वाला ये दूसरा आर्क, ये दूसरा आर्क। सेम तरीके से इधर भी करेंगे। तो यहाँ पर टिप रखेंगे कंपास का और यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे आर्क तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टिप रख के इधर एक आर्क और इसको इंटरसेक्ट करने वाला यहाँ पर एक और आर्क। ठीक है, तो ये हो गए अब टेंजेंट्स के स्ट्रक्चर, इसको ज्वाइन करेंगे आप। तो ये हो गई टेंजेंट एट पॉइंट M। ठीक है, अब सेम उसी तरीके से इधर निकालेंगे, पॉइंट N पर टेंजेंट निकालेंगे सर्कल को। ठीक है, ये हो गए पॉइंट N पर टेंजेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट M और पॉइंट N पर सर्कल को टेंजेंट्स निकाल लिए। तो इधर का एंगल आप सभी को पता है कितना डिग्री रहेगा?
ये एंगल 90 डिग्री रहेगा, इधर का भी एंगल 90 डिग्री रहेगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल, इसको सामने बढ़ाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियरली समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 वहां पर दिया है, ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर पी एंड रेडियस 3.4 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद टेक पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट क्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक बार और समझ लो। एक सर्कल निकालना है जिसके रेडियस 3.4 सेंटीमीटर हो और सेंटर कौन सा है, पी है। ओके, उसके बाद टेक पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर से कितना डिस्टेंस लेना, 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना। वहां पे एक पॉइंट क्यू लो और पॉइंट क्यू से टेंजेंट्स निकालना है। कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स है यहाँ पर, मतलब एक से ज्यादा टेंजेंट हमको यहाँ पर निकालनी है, यह फर्क है इसमें, मतलब ये अलग टाइप का एग्जाम्पल है। फ्रॉम द पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू से टेंजेंट्स निकालना हमको। देखिए कैसे करना, अगर ये एग्जाम्पल आपने बराबर समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, इजी कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल निकालेंगे जिसके रेडियस कितनी हो, 3.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द सर्कल विथ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर पी है तो यहाँ पे हम लेंगे सेंटर पी, यहाँ पे पी पॉइंट देंगे। ओके, उसके बाद टेक ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पॉइंट क्यू लेना है हमको 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस से सेंटर से। ठीक है, तो एक काम करेंगे, पहले एक रे निकालेंगे यहाँ पर, तो बाद में 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। डायरेक्ट लेना नहीं, पहले यहाँ पर रे निकाल लो एक, उसके बाद उसका 5.5 सेंटीमीटर का आर्क तैयार करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक रे निकालता हूँ मैं, एक रे निकाला यहाँ से सेंटर से पी से। तो हमको यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर पॉइंट क्यू लेना है। ओके, तो दो तरीके से आप ले सकते हैं, एक तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, और दूसरी मेथड है कंपास में आप 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो और वहाँ से सेंटर से आर्क तैयार करो, वो होगा 5.5 सेंटीमीटर। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करो। तो मैं कंपास में 5.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेता हूँ और एक आर्क तैयार करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट क्यू आएगा। तो यह है डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर जो मैंने कंपास में ले लिया। अब सेंटर से डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट क्यू लेना है हमको। यहाँ पे रखो टिप कंपास का, यहाँ पे आर्क तैयार करो, दिस इज द पॉइंट क्यू। यहाँ पे क्या आएगा, पॉइंट क्यू आएगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। तो यह है डिस्टेंस 5.5 सेंटीमीटर। एरो करो और उसको कट करो, 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, उसके बाद क्या करना है, देखो आप, अगर आपको इसके रेडियस मेंशन करना हो तो यहाँ पे रेडियस आप लिख सकते हैं, कितनी है रेडियस, रेडियस है 3.4 सेंटीमीटर। तो ये है 3.4 सेंटीमीटर। ओके, देखिए उसके बाद अब क्या करना है, तो हमको निकालना है पॉइंट क्यू से टेंजेंट्स। अब हमको यहाँ पर टेंजेंट नहीं निकालना है, ये बात समझ लो क्या, नहीं तो यहाँ पर ही निकालेंगे। हमको टेंजेंट्स यहाँ से नहीं निकालना है, यहाँ से निकालना है। और कितने टेंजेंट्स निकालने हैं, टू टेंजेंट्स, एक टेंजेंट नहीं, एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, एक टेंजेंट यहाँ से यहाँ तक आएगी। ठीक है, तो ऐसे दो टेंजेंट्स निकालना है पॉइंट क्यू से। तो देखिए अब क्या करना है इसके लिए हमको, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ लो। तो सबसे पहले एक काम करो, जो पी क्यू डिस्टेंस है यहाँ का, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। देखो एक बार और समझो, जो डिस्टेंस सेंटर और इस ये पॉइंट क्यू, ये जो डिस्टेंस है सेंटर और ये क्यू पॉइंट, मतलब पी क्यू डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। तो आप सभी को पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं, जो डिस्टेंस है पी क्यू उससे मोर देन हाफ डिस्टेंस लो, ये हो गया मोर देन हाफ डिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया पी क्यू से, यहाँ पर टिप रख लिया पॉइंट क्यू पर और यहाँ से एक आर्क तैयार करेंगे। ओके, और यहाँ से और एक आर्क तैयार करेंगे। उसके बाद सेम डिस्टेंस लेके पॉइंट पी पर रखो टिप अब, और इधर और उसको इंटरसेक्ट करने वाला है दूसरा आर्क यहाँ से निकालो। ठीक है,
अभी ये टेंजेंट नहीं, एक बात ध्यान में रखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते, घबरा जाते। अब यहाँ से ये टच नहीं हो रहा, नहीं तुम बोलेंगे यहाँ पे टच क्यों नहीं हो रहा, टेंजेंट। लेकिन ये बात समझ ले, टेंजेंट नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसलिए इसको ज्वाइन करो, वो कहीं से भी जाओ इसको ज्वाइन करो, ये हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपको हमको टेंजेंट्स निकालने हैं पॉइंट क्यू से, यहाँ से निकालने, यहाँ से नहीं निकालने। तो इसको ज्वाइन करेंगे पहले और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इधर 90 का एंगल आएगा और ये दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसलिए टिक मार्क कर दिया। देखिए अब क्या करना है, हमको पॉइंट क्यू से टेंजेंट्स निकालना है। तो एक काम करो, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला उसका जो मिड पॉइंट है, यहाँ पे है उसका मिड पॉइंट, तो इस मिड पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस मेजर करो। देख पा, एक बार और बताता हूँ, जो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला वहां पे उसका मिड पॉइंट देखो, इस मिड पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस, सेंटर कौन सा है, पी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करो। देखो ये डिस्टेंस यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक मैंने मेजर कर लिया सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस मेजर करो, उसके बाद इतना डिस्टेंस मेजर करने के बाद यहाँ से हाफ सर्कल, सेमी सर्कल निकाल लो। तो यहाँ पे टिप रखो, कहाँ पे, मिडल पे, यहाँ पे टिप रखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो मिड पॉइंट है वहाँ पे टिप रखो, यहाँ पे दूसरा टिप रखो पेंसिल का, और एक सेमी सर्कल वहां से निकाल लो। ये हो गया उसका हाफ सेमी सर्कल, ठीक है, ये उसका सेमी सर्कल हो गया। तो हमको टेंजेंट्स निकालना है पॉइंट क्यू से, इसलिए ये जो पॉइंट आ गए इंटरसेक्शन वाले, इसको बराबर मार्क करो और पॉइंट क्यू से वहां पर उसको ज्वाइन कर दो ऐसे। तो पॉइंट क्यू से जो पॉइंट्स आ गए सर्कल के ऊपर उसको ज्वाइन कर दो, तो ये जो मिलेगी हमको टेंजेंट मिलेगी, ठीक है, इसको एरो कर दो। ये हो गई फर्स्ट टेंजेंट, और उसके बाद ये हो गई सेकेंड टेंजेंट। देखो यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, इसको बराबर ज्वाइन करो, पॉइंट क्यू से यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ओके, यहाँ पर एरो करो। सो दिस इज द सेकेंड टेंजेंट। तो इस तरीके से हमने टेंजेंट्स यहाँ पर निकाले। अगर आपको नाम देना हो तो यहाँ पे नेम दे सकते हैं, यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट। तो क्यू ए एंड क्यू बी, ये क्या हो गए, उसके टेंजेंट्स हो गए। कहाँ से, पॉइंट क्यू से, कौन से है, क्यू ए एंड क्यू बी आर टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट क्यू, ओके। क्यू ए और क्यू बी मतलब क्या हो गए, दे आर टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट क्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ में आ गया, ओके। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के लिए होमवर्क है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व करो और एक्सरसाइज खत्म करो, तो ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज का वीडियो खत्म करते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे सब्सक्राइब करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र नेम है mahesh3d975, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।